And it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. गर्मी है अभी at its peak and दोपहर में हमें कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है. तो आज हम जाने वाले हैं फन येट एक शॉर्ट एक्टिविटी करने. सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ प्रीति यादव और आज हम जा रहे हैं गो कार्टिंग करने और ये मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है. तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से आपको ट्रेन लेनी है टिल कांजूमार्ग. और जैसे ही आप कांजूमार्ग आओगे तो अभी हम फिलहाल तो पहुँच गए हैं कांजूमार्ग, अब बाहर जाके आगे का रास्ता बताते हैं. कांजूमार्ग स्टेशन आपको ऑटो लेना है टिल हैकोने और इसका कॉस्ट होगा ₹38 के आसपास. मेरा ₹38 हुआ. तो बेसिकली आप यहाँ पर लोकेशन पे आ जाओगे एंड फाइनली वी हैव रीच हैकोने. अब जाके एंट्री लेंगे. हमने अंदर एंट्री ले ली है बट अभी तक हमने टिकट नहीं लिया है. और यहाँ से हम बात करेंगे फन फैक्ट नंबर वन की. गो कार्ट और सिंपली कार्ट मीन्स अ स्मॉल एंड फोर व्हील ओपन कार. सो बेसिकली गो कार्ट एक रेसिंग कार होती है और आपको पता है ये बेसिकली इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस से ये बना है. दैट मीन्स ये बहुत ही लेटेस्ट है गो कार्ट और उसका फर्स्ट ओरिजिन लॉस एंजलिस में हुआ था इन द ईयर 1956. और 1957 में लोग अपने घर दैट इज़ गैरेज से एक छोटी सी कार बना के लेके आते थे और रेसिंग होता था इन अ पार्किंग लॉट, क्योंकि उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने गो कार्ट बनाना शुरू नहीं किया था. तो आज हम करने वाले हैं गो कार्ट और जाते हैं अभी टिकट लेते हैं. टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर टू. हैकोने जो कि पवई में है, यहाँ पर सिर्फ गो कार्टिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है लाइक बुल राइड, पेंट वॉल और गो कार्ट और बहुत सारे बच्चों की एक्टिविटी होती है. पर आज हम सिर्फ गो कार्टिंग करने आए हैं और आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि हम गो कार्टिंग पे पहुँच गए हैं. बस अभी हमें अंदर जाना है, टिकट लेना है और टिकट लेके फिर हम करेंगे गो कार्टिंग, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट एक्टिविटी होने वाली है, दैट इज़ गो कार्ट. तो चलो चलते हैं. गो कार्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म फिल करना होगा जिसमें लिखा होगा कि अगर इनकेस आपको कोई इंजरी होती है तो वो गो कार्टिंग वाले लोग जिम्मेदार नहीं हैं. तो मुंबई में बहुत सारे जगह है गो कार्टिंग बट मैंने हैकोने चूज़ किया क्योंकि हैज़ अ बिगनर इट इज़ अ वेरी परफेक्ट प्लेस. बट मैं प्रोफेशनल्स के लिए ये प्लेस सजेस्ट नहीं करूँगी. सेकेंडली ये 200 मीटर का रेस होता है और थर्डली मैंने टिकट ले लिया है जिसका कॉस्ट है ₹350. मैंने 10 लैप्स लिया है. स्टार्ट ₹250 से होता है, डेट इज़ 5 लैप्स. और आपको कूपन प्रोवाइड किया जाएगा. मेरा कूपन नंबर है 59. मैं अपने नंबर का वेट कर रही हूँ. जैसे ही मेरा नंबर आ जाएगा मैं अंदर चले जाऊँगी और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली हूँ. एंड एज अ बिगनर दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट प्लेस एंड अ वैल्यू फॉर मनी. तो अब चलो वेट करते हैं नंबर आने का. वेरी एक्साइटेड फॉर इट. और मेरा नंबर आने वाला है एंड आपको बेसिकली आपका फ़ोन डिपॉजिट करना होगा. अगर आपके फ्रेंड्स आए तो उनको बोल देना आपके वीडियो निकाल देंगे. सो आपको अपना टोकन सबमिट करना होगा अंकल के पास और एक लैप्स पे अंकल टिक करेंगे. वैसे ही जैसे ही आपका 10 लैप्स हो जाएगा एक अलार्म मिल जाएगा कि आपका कंप्लीट हो गया है. फाइनली मेरा टर्न आ गया है और मैं
काफी एक्साइटेड। गो कार्टिंग स्टार्ट करने से पहले अंकल आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि राइट वाला एक्सीलेटर है और लेफ्ट वाला ब्रेक है, और आपको काफी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी टर्न लेने के लिए। और बाजू में एक इंजन है, उसको आपको टच नहीं करना है, अगर आपका टच हो गया तो आपकी एल्बो जल जाएगी। Stop it. Get some help. फाइनली मेरा गो कार्टिंग हो गया है। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैंने दो ही लैप्स किया, क्योंकि जब मैं फर्स्ट लैप्स करने गई मैं धक्का मार दिया टायर को, और सेकेंडली मेरे अंदर काफ़ी नर्वसनेस था, और एज अ बिगनर मेरे पास ये नॉलेज नहीं था। वेल डेफिनेटली मैं सेकेंड टाइम आऊँगी, वापस से ट्राई करूँगी। और जब मैं सेकेंड लैप्स करने गई ना, तो वापस से मैंने टायर पे धक्का मार दिया, क्योंकि मैंने ज़ोर से एक्सीलेटर पे पैर रख दिया था। और थर्डली मैं वापस जरूर ट्राई करूँगी। बट अगर आपसे भी नहीं हो पा रहा है, एक बार आना गो कार्टिंग करना, अगर आपसे भी नहीं हो पाया तो ये मत सोचना कि आपके पूरे पैसे 350 डूब गए। वेल, यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपको 2-3 लैप्स देने मिलेंगे चांस, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगी मनी। सो इन दैट वे आई गॉट माई 350 रुपीज़। बट आई एम फीलिंग वेरी सैड कि मैंने गो कार्टिंग नहीं कर पाई। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू शेयर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही मैंने डायरेक्टली टायर को ही धक्का मार दिया। वेल, कोई नहीं, आखिर में इंसान से ही मिस्टेक होता है, और हर कोई प्रो नहीं होता है। एंड एज अ बिगनर इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। गो कार्टिंग 12 साल के बच्चों से स्टार्ट होता है और 65 प्लस तक कर सकते हैं। वेल, और यहाँ पर है ना 4.8 फीट हाइट होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और थर्डली, नहीं हो पाया ना आपसे भी तो मेरी तरह ना आप भी रिफंड ले लेना। बट मैं जब देख रही थी ना, मैं सोची थी यार छोटे छोटे बच्चे कर ले रहे हैं तो मेरे से भी हो ही जाएगा, बड़े बड़े लोग कर रहे थे तो मेरे से भी हो जाएगा। तो इट्स कि एक होता है ना कि अरे ईजी है, जब छोटे बच्चे तुम्हारे से कर लेते हैं तो मुझे यार अपने बिना एक ना हंसी आ रही कि यार मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मे बी मैं नेक्स्ट टाइम वापस से आके ट्राई करूँगी, और जब आऊँगी तो मैं इस बार करके जाऊँगी। बट हाँ, मैं यहाँ से ना अपना लॉस कुछ नहीं करके जा रही हूँ, मैं 350 रुपीज़ लेके जा रही हूँ, वो चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है। वेल, हैकोनी सिर्फ गो कार्टिंग या फिर बच्चे लोग के गेम या फिर बुल राइड या पेंट राइड के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे फूड आउटलेट भी है, तो आप यहाँ पर आके ना फूड भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक आउटलेट है, तो आप भी आना यहाँ पर, फूड जरूर ट्राई करना। तो फाइनली मेरा गो कार्टिंग करके हो गया है, और मैं यहाँ से व्लॉग एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और हमेशा कहा जाता है ना कि जो चीज़ दिखता है वैसा इन रियलिटी टर्न आउट नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो मेरे लिए ये हुआ। मुझे बहुत इजी लगा, बट मेरे लिए वो इजी टर्न आउट नहीं हुआ। एंड फ्रॉम हियर आई एम प्रेजेंटिंग माय बजट। सो बाय, टेक केयर।